पूरे इंडिया में मॉनसून आ चुका है और सर्दी भी आने वाली है। आज नहीं तो कल आपको गीजर की जरूरत तो पड़ेगी ही। कौन सा गीजर लेंगे कुछ सोचा? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ सोचेंगे, आप पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में जितने भी बेस्ट गीजर्स हैं उन सबको कंपेयर करने के बाद, टेस्ट करने के बाद मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीएम वन। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट गीजर्स दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन 2022। सारे गीजर्स को पहले मैं खरीदता हूँ, इंस्टॉल करके टेस्ट करता हूँ, उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ ताकि आप एक सही गीजर खरीदें और उसमें गलती ना हो। लेकिन अगर गीजर खरीदने में ही कोई गलती हो गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसलिए बेटर ये है कि गीजर खरीदने से पहले आपको मेरे इन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनना चाहिए, उससे आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने घर में आप बेस्ट गीजर लगा पाएंगे इंडिया का। इन पॉइंट्स को जल्दी से सुनिए। सबसे पहले साइज, अगर आप एक कपल हैं आपको एक 10 लीटर गीजर लेना चाहिए, दैट इज द बेस्ट फॉर यू और आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस गीजर की मिलेगी। अगर आप 3 से 4 लोग हैं फैमिली में तो आपको एक 15 लीटर मॉडल लेना चाहिए, 10 लीटर नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप 4 से ज्यादा लोग हैं एक फैमिली में और सभी मेंबर्स गीजर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, देन गो फॉर अ 25 लीटर मॉडल, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। गीजर्स दो टाइप के आउटर मटेरियल के साथ आते हैं, मेटल एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक में कई फॉर्म्स होती हैं, ABS, पॉलीप्रोपिलीन एंड व्हाट नॉट। दोनों ही आउटर बॉडी मटेरियल्स बहुत अच्छे होते हैं और उनकी लॉन्गिट्यूडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू लिव नियर अ कोस्टल एरिया या फिर आपके घर के आसपास कोई ड्रेन है, देन डू नॉट बाय अ गीजर विद अ मेटल बॉडी। आपको एक प्लास्टिक बॉडी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, वो वाला गीजर खरीदना चाहिए, क्योंकि उस पे जंग लगने का खतरा बहुत ज्यादा कम होता चला जाएगा और आपके गीजर की लाइफ और बढ़ती चली जाएगी। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है उन घरों में जहां पे हार्ड वाटर आता है, जैसे मेरे घर में, और ऐसे घरों में आपको एक प्लास्टिक बॉडी का गीजर ही लेना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि गीजर के अंदर जो इनर टैंक होता है, दैट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। लेकिन आपको हार्ड वाटर कंडीशंस के अंदर या फिर कोस्टल एरियाज के अंदर एक ऐसे गीजर को लेना है जिसमें एक ग्लास लाइंड टैंक और ग्लास लाइंड एलिमेंट लगा हो। उससे जो हार्ड वाटर का रेसिड्यू है, यानी उसका सेडिमेंट और सॉल्ट, उसकी वजह से टैंक पे जंग नहीं लगेगा और गीजर की लाइफ और बढ़ जाएगी, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। और गीजर्स के अंदर एक एनोड रॉड भी होती है। एनोड रॉड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग रॉड होती है, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। लेकिन अगर एक अच्छा गीजर है उसके अंदर एक अच्छी एनोड रॉड होगी जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और गीजर के अंदर के टैंक को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलेगी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। और जब आप एक ग्लास लाइन टैंक का गीजर लगा लेंगे और मान लीजिए आपके घर के पानी का TDS बहुत ज्यादा है, तो आप गीजर को पहली बार जब ऑन करेंगे तो आपको कट 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 ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज आपके घर के पानी का ज्यादा TDS यानी ज्यादा नमक ग्लास लाइन टैंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसका टैंक और एलिमेंट टैंक को ही बचा रहे हैं। डोंट वरी, योर गीजर इज वर्किंग रियली हार्ड। आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं इनलेट पाइप की तरफ जाते हुए, एंड दैट विल वर्क वंडर्स। मैं एक अच्छे सॉफ्टनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट में भी दे रहा हूँ, उसे जरूर चेक करिएगा। अब दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो लो राइज बिल्डिंग में रहते हैं और एक जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। गीजर की रिक्वायरमेंट तो सबकी सेम होती है, लेकिन टेक्निकली उन दोनों टाइप के लोगों के लिए गीजर बिल्कुल अलग होता है। हाई राइज बिल्डिंग वालों के लिए 8 bar प्रेशर का अच्छा गीजर आपको लेना चाहिए और लो राइज बिल्डिंग वाले 6, 7 या 8 bar कोई भी प्रेशर का गीजर ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आप सभी को ये रहेगी, चाहे आप लो राइज बिल्डिंग में रहें चाहे हाई राइज में, कि 8 bar प्रेशर का गीजर लीजिए। थोड़े से पैसे बचा के 7 bar या 6 bar प्रेशर का गीजर लेके आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब ये सब काम मैं करता क्यों हूँ? मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ और उन सभी पैसों से पहले मैं गीजर खरीदता हूँ, अपने ही घर के अंदर इंस्टॉल करता हूँ, चेक करता हूँ और उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। और आप अगर एक गीजर अच्छा लेंगे और उसके बाद खुश होंगे,
फिर मुझे थैंक यू बोलेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। बदले में मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपनी गीजर की परचेज को पूरा करें तो प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करिएगा। उससे आपका प्राइस एक रुपया भी चेंज नहीं होता, लेकिन इस चैनल की फाइनेंशियली मदद होती है, जिससे हम पैसे इकट्ठे करके ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और ये है हमारा मॉडल, इस तरीके से हम काम करते हैं बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए। और हाँ, एक और चीज, आप गीजर के अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, अप्लायंसेस लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि उसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी चाहिए आपको? आपको एक्चुअली में एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए, जो एक इंश्योरेंस की तरह नहीं, अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी की तरह काम करे। मैं अपनी तरफ से आपको गो वारंटी के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान्स रेकमेंड करता हूं, और मैं कभी भी उसका आपको अफिलिएट लिंक नहीं देता। जानते हैं क्यों? ताकि आपको किसी भी अप्लायंस पे उस एक्सटेंडेड वारंटी प्लान को लेने पे प्राइस बहुत शानदार मिले, और आप कम से कम अपने अप्लायंस को पहले दिन से प्रोटेक्ट करके तो चलें। जाके जरूर चेक करिएगा। बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है बजाज का न्यू शक्ति नियो प्लस मॉडल। और मैं पिछले 3 साल से इस गीजर को बहुत शानदार तरीके से रेट कर रहा हूं, लेकिन बजाज हर साल थोड़े से चेंजेस करके एक नया मॉडल निकालता है, लेकिन इस साल जो चेंज करे हैं वो बहुत शानदार हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शानदार गीजर अब बन चुका है। इसके अंदर आपको 8 बार प्रेशर मिलता है और 2000 वाट की पावर मिलती है। बजाज का ये वाला मॉडल अब न्यू शक्ति नियो प्लस है, और ये 4-स्टार रेटेड मॉडल है, जिसमें आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है। इस मॉडल के अंदर आपको टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड स्टील टैंक देखने को मिलता है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है हार्ड वाटर कंडीशंस के लिए भी। इसमें कॉपर का एलिमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन मैग्नीशियम की एनोड रॉड लगी है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन उससे भी शानदार बात है स्विरल फ्लो टेक्नोलॉजी। ये टंग ट्विस्टर वर्ड स्वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में बहुत शानदार और काम की चीज है, क्योंकि ये टैंक के अंदर गर्म और ठंडे पानी को आपस में मिक्स नहीं होने देती, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इससे पावर सेविंग बहुत ज्यादा होती है, और गर्म पानी जब आपको चाहिए तो वो ठंडे पानी के साथ जब मिक्स नहीं होगा तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा। इसमें आपको ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर डायल भी मिलेगा, वो बहुत पुराने जमाने का लगता है, बट वी कांट डू एनीथिंग। 9.7 kg वे करता है ये गीजर 15 लीटर मॉडल, और इसके ऊपर आपको बजाज देता है 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, 2 ईयर्स वारंटी ऑन दी एलिमेंट एंड 5 ईयर्स वारंटी ऑन दी टैंक, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। आप इस मॉडल को इस समय खरीद पाएंगे 6100 रुपीज का। ये प्राइसेस चेंज होते रहेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हैं, और VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट के अंदर भी आपको इसके लिंक्स मिलेंगे, जरूर चेक करिएगा। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद, ये एक शानदार गीजर है, रफ एंड टफ बॉडी एंड रफ एंड टफ गीजर, लगा दीजिए और भूल जाइए, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली नाउ बिकॉज इसमें जो मैग्नीशियम एनोड रॉड पिछले साल तक आती थी उससे ज्यादा थिक मैग्नीशियम एनोड रॉड अब आपको देखने को मिलती है। द ओनली प्रॉब्लम और द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ग्लास लाइंड नहीं है। सपोज यू आर लिविंग इन एरिया जहां पे बहुत ज्यादा पानी का टीडीएस है, तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेटल बॉडी को आपको अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत टीडीएस है ले लीजिए एंड यू विल एंजॉय। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज वेरी वेरी गुड, एक्सेप्ट फॉर वन मोर थिंग कि अगर आप इंस्टॉलेशन बजाज से कराते हैं वो फ्री है, तो आपको इसमें एक्सेसरीज साथ में बजाज फ्री नहीं देता। आई नो 300-400 रुपए का खर्चा होगा, बट इसीलिए शायद बजाज ने थोड़ी कॉस्ट कम रखी है, 6100 रुपीज। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके लिंक्स दिए हैं, आपको जरूर चेक करिए इसे। अब अगर आप बजाज से भी एक अच्छा गीजर लेना चाहते हैं मेटल बॉडी में, देन देयर कम्स माय नंबर 4 मॉडल, और नंबर 4 पे टाई हुआ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे 2 गीजर आते हैं, और पहला है वी गार्ड का डिवीनो। ये भी एक मेटल बॉडी के साथ आता है और 2000 वाट की पावर है, 8 बार का प्रेशर है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि ये 5-स्टार रेटेड है, और इसके अंदर आपको टाइटेनियम इनेमल कोटेड इनर टैंक देखने को मिलेगा, और उसके साथ मिलेगा इनकोलॉय 800 हीटिंग एलिमेंट। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन से फैंसी नाम बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये फैंसी नाम नहीं है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के एलिमेंट का एक नाम होता है, उसे कहा जाता है इनकोलॉय 800 हीटिंग एलिमेंट, और ये होना किसी भी गीजर के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी क्वालिटी की पहचान है।
वीगार्ड के हिसाब से इसमें थिक मैग्नीशियम एनोड रॉड दी गई है और ये गीजर 5-in-1 सेफ्टी वॉल्व के साथ भी आता है। ये बहुत अच्छी बात होती है। इस गीजर के अंदर आपको डुअल ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी थर्मोस्टैट से भी और थर्मल कटआउट से भी। थर्मोस्टैट और थर्मल कटआउट दोनों से अगर प्रोटेक्शन एक गीजर के अंदर आपको मिलती है देन दैट एक्चुअली मींस डबल सेफ्टी एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा आपको इस गीजर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी मिलेगी और डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा जो इसी साल वीगार्ड ने इस गीजर के अंदर ऐड किया है और ये एक अच्छा इंक्लूजन है। ये गीजर 9.8 केजी वे करता है और वीगार्ड आपको देता है 2 ईयर कॉम्प्रेहेंसिव 3 ईयर वारंटी ऑन द एलिमेंट एंड 5 ईयर वारंटी ऑन द टैंक। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक वारंटी पैकेज। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ये 7,400 रुपीस का कॉस्ट करता है इस समय। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट में दिए हैं, आप इसे जरूर चेक करिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वारंटी जो बहुत शानदार तरीके से इस गीजर पे दी गई है उसके पैसे आप इसे लिए हैं। अब यही होता है दोस्तों, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा गीजर आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूं और मेरे हिसाब से ये बहुत शानदार गीजर है। इसके अंदर अब आपको एक डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है इस साल के मॉडल से, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इट्स अ 5-star रेटेड गीजर, ये भी एक शानदार बात है। बट इतने पैसे लेने के बाद भी वीगार्ड आपको इंस्टॉलेशन और एक्सेसरीज इस गीजर के साथ फ्री नहीं देता, ये थोड़ी सी गलत बात है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको ये वाला गीजर लेना है या इसी नंबर पे जो नेक्स्ट गीजर मैं बता रहा हूं वो लेना है, वो भी जल्दी बताता हूँ। इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर जो दूसरा गीजर आता है उसमें और वीगार्ड के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैंने क्यों लिया उस गीजर को इस पोजीशन पे? इसलिए क्योंकि मैं गीजर को सिर्फ पैसों से नहीं तोलता, मैं उसकी बॉडी, उसके मटेरियल, उसके अंदर क्वालिटी कैसी लगी है, यूज करने के बाद वो कैसा है और अलग अलग यूसेज के हिसाब से जितने भी गीजर हैं उन्हें कंपेयर करने के बाद मैं उन्हें रैंकिंग देता हूं। और मेरे हिसाब से हेवल्स का एडोनिया स्पिन जो कि 2000 वाट की पावर के साथ आता है और 8 bar प्रेशर के साथ आता है दैट डिजर्व्स टू बी इन लाइन विद वीगार्ड और वो शेयर करता है 4th पोजिशन इन माई लिस्ट। और ये भी 5-star रेटेड गीजर है लेकिन ये प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। इसमें आपको फेरो ग्लास टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोल्ड रोल्ड स्टील टैंक का यूज करा गया है। आप इसे आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो स्टील टैंक की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम है एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। इसमें आपको IPX4 प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और इस गीजर के अंदर भी आपको इनकोलॉय ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। इस एलिमेंट के साथ आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड लगी हुई मिलेगी और ये गीजर वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। नाउ वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी वही सेम चीज है जो मैंने आपको स्फिरल फ्लो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, यानी ठंडा पानी और गर्म पानी आपस में टैंक में मिक्स नहीं होता जिससे पावर सेविंग होती है। और अगर आपका आधा गीजर भी गर्म है तो आप उसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी के साथ वो मिक्स नहीं होगा एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन अ गीजर। इस गीजर के साथ आपको शॉक प्रूफ प्लग लगा हुआ मिलता है, 3-pin प्लग एंड ये कलर चेंजिंग LED नॉब के साथ आता है। अब ये थोड़ा फैंसी फीचर है लेकिन आपको जो मिल रहा है उसे आप डिनाई तो करेंगे नहीं। बहरहाल ये गीजर 9.6 केजी वे करता है और इस पे आपको हेवल्स देता है 2 ईयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव, 4 ईयर्स की ऑन द एलिमेंट एंड 7 ईयर्स वारंटी ऑन द टैंक। एंड बॉय, इतना ज्यादा अच्छा वारंटी पैकेज, द प्राइस मस्ट बी हाई एंड यस इट इज 11,200 रुपीज आज की रेट का प्राइस है। और कॉन्स में अगर मैं कहूँ तो यही एक सबसे बड़ा कॉन है दैट इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट हैविंग सेड दैट इसकी क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करा गया है, इट इज अ वेरी प्रीमियम गीजर और हेवल्स डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करता है बहुत प्रीमियम गीजर ब्रांड्स के साथ। बट आपको डिसाइड करना है कि आप ये गीजर लेना चाहते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा गीजर है, इसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं। इसके अंदर जो ऑटो ऑफ ऑन प्लग है वो ऑटो कट ऑफ हो जाता है अगर किसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आए, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। लेकिन आप उस प्लग को अलग से भी लगा सकते हैं 200-300 रुपए का, तो उसकी कॉस्ट भी आप दे ही रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, आप डिसाइड करिए। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। 11,200 रुपीज इज द प्राइस, आई थिंक इट्स अ स्लाइटली एक्सपेंसिव वन।
बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे वो गीजर आता है जिसे पिछले 2-3 सालों से मैं काफी नीचे की पोजीशन देता था, और अब ये ऊपर क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर एक मेजर चेंज करा गया है। मैं बात कर रहा हूं रेकॉर्ड के आंद्रे लू प्लस के बारे में, और ये प्लस मॉडल ही है जो मैं रेकमेंड करता हूं आपको। इसमें भी आपको 2000 वॉट की पावर मिलती है और 8 बार प्रेशर देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ 4-स्टार रेटेड मॉडल जिसमें आपको टाइटेनियम इनेमल कोटेड स्टील टैंक देखने को मिलेगा, और उसी के साथ टाइटेनियम इनेमल्ड हीटिंग एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। यानी दोनों चीजें, टैंक भी और एलिमेंट भी, टाइटेनियम एनेमल से कोट करे गए हैं, यानी उनकी प्रोटेक्शन होगी हार्ड वाटर के अगेंस्ट और उनकी लाइफ ज्यादा इंक्रीज होगी, और ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी गीजर में। जो मेजर चेंज करा गया है इस गीजर में पहले के मॉडल से, वो है सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी एनोड रॉड पे। ये होती है एक मेजर चीज, क्योंकि कोई भी एनोड रॉड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग तो होगी, लेकिन सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी के साथ जो एनोड रॉड आएगी वो लंबे टाइम तक चलेगी और आपके गीजर के अंदर के टैंक और एलिमेंट की प्रोटेक्शन और ज्यादा लंबे टाइम तक होगी। एंड यू नो व्हाट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इस गीजर के अंदर भी आपको फ्लेक्सो मिक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी आंद्रे लू प्लस के अंदर भी आपको वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे ठंडा और गर्म पानी टैंक के अंदर आपस में मिक्स नहीं होगा। अगेन पावर सेविंग, विच इज अगेन अ गुड थिंग। टेम्परेचर रेगुलेशन नॉब जो आप देख रहे हैं ये तो है ही बहुत शानदार, लेकिन इसके अलावा इस गीजर के अंदर थर्मोस्टैट्स भी लगे हैं ओवरहीट प्रोटेक्शन के लिए। पॉलीप्रोपिलीन बॉडी होने की वजह से इस गीजर का वेट काफी लाइट है, विच इज अ गुड थिंग। ये 8.3 केजी वेट करता है। रेकॉर्ड आपको देता है 2 years की कॉम्प्रेहेंसिव, 3 years की ऑन दी एलिमेंट एंड 5 years वारंटी ऑन दी टैंक, एंड दैट इज वेरी इंप्रेसिव। आप इस गीजर को इस समय खरीद पाएंगे 9000 रुपीज के आसपास का, एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एंड इट्स अ वेरी गुड प्राइस बिकॉज इस गीजर की जो क्वालिटी है, जो मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ, इज वेरी वेरी गुड, और आपको किसी टाइप की कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे सॉफ्ट वाटर आता हो आपके घर में चाहे हार्ड वाटर। मेरे घर का वाटर भी बहुत हार्ड है, एंड आई डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस गीजर, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट एक चीज जो मुझे पता नहीं है, आप इसे कौन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, दैट इस गीजर के अंदर जो एनोड रॉड है उसका मटेरियल मुझे पता नहीं। इज दैट मैग्नीशियम, इज दैट मैग्नीशियम एलॉय, और इज दैट जिंक, आई डोंट नो, बट इट, यू नो, इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आई थिंक यू शुड नो दैट, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। अगर मैं इस गीजर को रेकमेंड करूंगा तो मैं इसे बार बार खरीद भी सकता हूं। इट इज अ वंडरफुल गीजर दैट यू कैन गो फॉर। बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है ओरिएंट का एनामर प्राइम, जो कि 2000 वॉट की पावर और 8 बार के प्रेशर के साथ आता है। ये गीजर 5-स्टार रेटिंग और 5-स्टार सेफ्टी शील्ड के साथ भी आता है। अब 5-स्टार सेफ्टी शील्ड का मतलब, ये एक शॉक प्रूफ गीजर है, ये एक वाटर प्रूफ गीजर है। इसके अंदर आपको 2 तरीके की ओवरहीट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, और इसमें एक मल्टी फंक्शनल वाल्व भी देखने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छी चीज है जब कोई ब्रांड इतना ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देता है, एंड देन दे मेक द प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर आपको शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ प्री कोटेड पॉलीमर बॉडी देखने को मिलती है, विच इज वेरी वेरी गुड। बट एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अल्ट्रा डायमंड ग्लास लाइन कोटेड टैंक मिलेगा और निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलेगा। यानी टैंक और एलिमेंट दोनों की अलग अलग टाइप की कोटिंग करी गई है, उन दोनों की लाइफ को अपने अपने तरीके से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए किसी भी वाटर कंडीशंस में, एंड दैट इज वंडरफुल। इस गीजर के अंदर भी आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड देखने को मिलेगी, और ओरिएंट के एनएमआर प्राइम के अंदर आपको वर्लफ्लो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वर्लफ्लो टेक्नोलॉजी वही हुई, टैंक के अंदर ठंडा और गर्म पानी आपस में मिक्स नहीं होगा, और ओरिएंट के हिसाब से 20% आपको ज्यादा गर्म पानी इससे मिल पाएगा, और ये तो अच्छी ही बात है। सर्दियों में पूछेगा आपको भी अच्छी बात लगेगी। गीजर के फ्रंट में ही आपको टेम्परेचर नॉब डायल देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि एक ISI मार्क्ड गीजर है। इस गीजर का वेट है 13.7 केजी, और इससे साफ नजर आता है कि ओरिएंट ने क्वालिटी में किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है,
ओरिएंट आपको इसके साथ देता है 2 ईयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव, 3 ईयर्स की वारंटी ऑन द एलिमेंट एंड 7 ईयर्स वारंटी ऑन द टैंक। प्राइस जरूर ज्यादा रखा होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है, 9,000 रुपीज के अंदर आप इस गीजर को खरीद सकते हैं, विच इज अ फैंटास्टिक प्राइस। अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, रुक जाइए, जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दिए हैं आपको, VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट में भी दिए हैं, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स आराम से सुनिए। ये एक फैंटास्टिक गीजर है, आपको जितने फीचर्स चाहिए आपको सारे इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत तसल्ली से डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके इसे बनाया गया है ओरिएंट की तरफ से, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं अपने घर में लगा के इसे बहुत खुश हूँ एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द गीजर, एंड माई फेवरेट ग्रे कलर इज ऑल्सो देयर। बट जोक्स अपार्ट, द गीजर इज वेरी वेरी गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन तो फ्री मिलती है लेकिन साथ में वो पाइप्स जो है ना वो मुझे अलग से खरीदने पड़े। बट आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर नो फ्रीबीज एंड द प्राइस इज आल्सो वेरी वेरी गुड, बट द क्वालिटी इज अगेन वंडरफुल। चॉइस इज योर्स, लिंक्स आर माइन, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 गीजर लिस्ट में भी दिए हैं, इसे जरूर चेक करिए। अब बारी आती है नंबर वन की, और बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट पे टॉप करने वाला गीजर है एओस्मिथ का सीरीज 15 विद 3000 वॉट ऑफ पावर एंड 8 बार प्रेशर। इस गीजर के अंदर आपको दोनों 2000 वॉट और 3000 वॉट पावर के गीजर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने अपने घर के लिए चुना 3000 वॉट पावर। ये एक 5-स्टार रेटेड गीजर है और इसके अंदर आपको ब्लू डायमंड ग्लास लाइंड टैंक लगा हुआ देखने को मिलेगा। ये भी एक IPX4 रेटेड गीजर है और इसमें आपको ग्लास कोटेड इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट एक सुपीरियर क्वालिटी होती है हीटिंग एलिमेंट की, जो आपको इस गीजर के अंदर देखने को मिलती है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एओस्मिथ ब्रांड ने इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर मैग्नीशियम एलॉय एनोड रॉड का यूज करा है। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल एनोड रॉड जो मैग्नीशियम की बनी होती है वो जल्दी सैक्रिफाइस होती है, लेकिन मैग्नीशियम एलॉय की एनोड रॉड थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, और मुझे एक ऐसे ही गीजर की जरूरत थी क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पे पानी काफी हार्ड है, एंड दैट इज व्हाई आई चोज दिस एट नंबर वन। इस गीजर के अंदर एडवांस PUF इंसुलेशन करी गई है, ऑब्वियसली तभी ये नंबर वन पे है, और इसके अंदर जो ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दी गई है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। थर्मोस्टैट के अलावा आपको इस गीजर के अंदर भी थर्मल कट ऑफ और सेफ्टी वाल्व लगा हुआ मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 9.8 kg वे करता है ये गीजर और एओस्मिथ आपको देता है 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव, 4 इयर्स की ऑन द एलिमेंट एंड 7 इयर्स वारंटी ऑन द टैंक, विच इज वंडरफुल। और इसके 2000 और 3000 वॉट मॉडल दोनों को आप खरीद सकते हैं। 2000 वॉट का मॉडल अप्रॉक्सिमेटली 10,300 रुपीज का कॉस्ट करता है इस समय, और 3000 वॉट का ये वाला मॉडल अप्रॉक्सिमेटली 11,500 रुपीज का कॉस्ट करता है इस समय। मैं 3000 वॉट के इस गीजर को यूज करके बहुत ज्यादा खुश हूं, पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, एनोड रॉड की क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है, द फीचर्स आर सिंपली ऑसम फैंटास्टिक, सभी सेफ्टी फीचर्स इस गीजर के अंदर हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड। आई थिंक देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, एओस्मिथ इतनी अच्छी क्वालिटी के गीजर्स बनाता है तो कम से कम एक्सेसरीज भी साथ में सप्लाई कर दे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की, बट दिस इज नॉट द रीजन जो आपको रोकेगा इस गीजर को खरीदने से। इसलिए इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट में दिए हैं, इसे जल्दी जाके जरूर चेकआउट करिएगा, और इसके 10, 15 एंड 25 लीटर मॉडल सभी के लिंक्स आपको दिए हैं। दोस्तों जितने भी मॉडल्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसके 10 लीटर 15 लीटर और 25 लीटर मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ के नहीं। इसलिए आपको करना क्या है, VM1 गीजर एंड हीटर लिस्ट को डाउनलोड करना है, और उसके अंदर जो मेरे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को मैंने चेक किया है, टेस्ट किया है, और उसके बाद रेकमेंड कर रहा हूं। उस लिस्ट को जरूर डाउनलोड करिएगा और उन लिंक्स को यूज करके जब आप अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया इस चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मदद होगी, जिससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए हुए आपको एक बहुत शानदार रिव्यू दिखा पाते हैं कुछ इस तरीके का, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। प्लीज हमारी मदद करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, लाइक बटन ये रहा, उसके नीचे कमेंट सेक्शन है, आप जल्दी से अपना क्वेश्चन लिखिए और मैं आपके जवाब बहुत जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट ट्रू व्यू वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।